रही हो? मैं बना रही हूँ डोसा। पर मेरा तो फास्ट है, 9 days नवरात्रे। अरे फास्ट का ही तो डोसा बना रही हूँ मैं। ओ मुझे भी दिखाओ। देखो के लिए सामान तो बता दो। साबूदाना, समा के चावल और दही, इन सबको मिक्सी में पीसना है। ओके चलो, मैं आपके तक आलू बॉईल करने रख देती हूँ। इसका टेक्सचर रेडी है, इस टाइप की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए, तो मम्मा ने आलू मैश कर दिए हैं उबाल के। मम्मा डाल रही हैं घी, व्रत है ना तो इसलिए घी से बना रहे हैं। है मम्मा का, देखो प्रोसेस जारी है मम्मा। तो गाइस हमारी चिमनी हो चुकी है ऑन। इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च। आलू अब थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। मम्मा डाली है करी पत्ता और नींबू निचोड़। एक तरफ बनने हैं डोसे और एक तरफ बननी है अपने आने बनाने अपनी परदीदी के लिए सैंडविच। ये दूसरी सैंडविच बननी है गाइस, तो यहाँ बननी है सैंडविच और ये बनना है डोसा। वैसे हमने पूरी रेसिपी आपको व्रत के डोसे की दिखाई है, तो हम व्रत के डोसे की ही दिखा रहे हैं। ये तो मैं आपको बनाते दिखा रही हूँ। तो देखो वीडियो के चक्कर में मेरे साथ क्या हुआ, ये जल गया। वाओ वेरी नाइस। तो ये डोसा बन गया। ये अब मैं आपको खा के दिखाऊंगी। हमारी प्लेट रेडी है। ये है चटनी व्रत की, ये दही और ये कुकुम्बर और ये व्रत का। इसमें हम थोड़ा सा व्रत का नमक डालेंगे दही में, तो मैं आपको भी खा के बताऊंगा। लेट्स टेस्ट इट। तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ। Really, really nice. I love it. Thank you so much, Mama. Welcome. तो आप व्रत में डोसा भी खा सकते हैं और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉलो करो। थैंक यू।